वालेकुम वेलकम टू यूट्यूब क्रिएटेड डॉट सेवन आज हम यहाँ पर सीखेंगे किस तरह से हम कैनवा के अंदर एनिमेशन जो है वो बना सकते हैं इसके लिए आपको दो टूल्स जो है उनकी ज़रूरत पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीमियर प्रो की और सेकंड पे कैनवा की ठीक है अच्छा अब यहाँ पर जो है हमने आके क्या करना है मैं आपको जस्ट एक एग्ज़ाम्पल के लिए समझा रही हूँ तो एग्ज़ैम्पल एनिमेशन वीडियो हम इसका नाम रख देते दे हैं ठीक है अच्छा यहाँ पर ना अब मुझे क्या करना है मैं जस्ट एग्जाम्पल की भी आपको बता रही हूँ ना ठीक है तो फिर इसके लिए मैं क्या करूँगी कि एक वीडियो मैं डाउनलोड कर सक कर लेती हूँ वैसे आप वीडियो खुद ही बनाएंगे क्योंकि किसी और की वीडियो यूज़ करने से कॉपीराइट आ जाता है

प्रीमियर पर ओपन करने के बाद वो वीडियोस जो है वो मैं इधर ले आऊँगी अच्छा ये हमारी वो वीडियो है और इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया था हाँ ठीक है अच्छा अब इसका साउंड जो है वो मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए तो इसका साउंड मैं डिलीट कर दूँगी अब मुझे ये वीडियो भी बस यहाँ से लेके थोड़ी छोटी सी वीडियो चाहिए मुझे ठीक है यहाँ तक चाहिए मुझे इसको मैं थोड़ा ज़ूम कर दूँगी ठीक है अब वीडियो हमारे पास आ चुकी है अब इसके ऊपर हमने एनिमेशन करनी है तो मैं वो आपको बताती हूँ किस तरह से हमने करनी है अच्छा यहाँ पर आपको थोड़ी सी जो है ना वो ट्रिक लगानी पड़नी है कैनवा के साथ यहाँ पर मैं क्रिएटर डिज़ाइन पे क्लिक कर रही हूँ वीडियो सेलेक्ट कर रही वीडियो टाइप कर रही हूँ यहाँ पर और यहाँ से मैंने वीडियो ले लेनी है आपको ये जहन में रहना चाहिए कि जो भी आपका कैनवस जो है वो प्रीमियर प्रो पे है जैसे कि ये कैनवस जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना कोई भी कैनवस रख सकते हो लेकिन एग्जांपल के तौर तो पे ये 1920 ट्वेंटी 1080 वन ज़ीरो एट जीरो है तो ये भी 1920 ट्वेंटी बाय वन ज़ीरो एट है सबसे पहला जो काम हमने करना है इसका बैकग्राउंड हमने कर देना है ग्रीन थोड़ा वाइब्रेंट ग्रीन करना है जो आंखों को थोड़ा चुपने वाला हो क्योंकि ये वाला कलर मोस्टली किसी चीज़ में यूज़ नहीं किया जाता तो जब हम इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करते हैं तो ये इजीली रिमूव हो जाता है बिना हमारा कोई भी एडिटिंग को डिस्टर्ब किए अच्छा अभी हम यहाँ पर आ गए हैं एक पेज हमने रेडी कर लिया है अब हमने ना यहाँ पर क्या लगाना है मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर आ जाए आ, ए आ जाए ठीक है और ए के साथ थोड़ी आइज़ वगैरह आ जाए कोई भी ऐसी एनिमेशन आ जाए अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर पहले मैं अपना जो एक सरफेस जो है वो रेडी कर देती हूँ मैं यहाँ पर आई सर्च कर लेती हूँ यहाँ पर मैं ए सर्च कर लेती हूँ और ए, इवन के हमारे पास ये ये भी है ए आइज़ वाला ए जो है ना ये भी है दोनों का मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगी एनीमेशन पे आएंगे ठीक है इसको हम ऐसे रख लेते हैं इसकी स्पीड आप आ, जो है वो कर सकते हो इसकी स्पीड को आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो इसकी हम चलो ये एनिमेशन रख लेते हैं ठीक है थीके? इन दोनों को थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं क्योंकि मैं शायद इन दोनों को एक ही फ्रेम में यूज़ नहीं करूँगी अब यहाँ पर जितनी भी मुझे एनिमेशन बनानी होगी ना वो मैं एक ही बार में बना लूँगी अब यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि कुछ क्लाउड में जो लिखा हुआ आता है ना वो वाला भी मैं आपको सिखा देती हूँ इधर हम क्लाउड में आएंगे और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनिमेटेड क्लाउड जो है हमें मिल जाते हैं जिनके ऊपर हम कुछ लिख सकते हैं इसको हम कलर भी ब्लू दे देते हैं और इसकी एनिमेशन कर देते हैं हम लोग अब इसको मैंने डाउनलोड कर लिया एक बार जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो वापस मैं प्रीमियर प्रो पे आऊँगी और आकर यहाँ पर हमारी जो डाउनलोड्स है इसको मैं यहाँ पर रख दूँगी ठीक है नेक्स्ट हमने जाना है इफेक्ट्स के अंदर यहाँ पर सर्च करना है अल्ट्रा की और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना इधर ठीक है इसका जो कलर होगा वो यहाँ से सेलेक्ट करके ग्रीन को सिलेक्ट कर देना है <coughs> या फिर इनको हम लगा देते हैं एप्पल के ऊपर आइस को ठीक है अच्छा अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको क्रोप कर दूँ तो क्रोप का ऑप्शन भी आपको यहाँ से आएगा क्योंकि ये ए, ए जो है और आइस जो है वो ए ही फ्रेम में मैंने यूज़ नहीं करनी थी ऑलरेडी यहाँ से नीचे आके हम इसको राइट right से कट कर देंगे ठीक है अच्छा अब ये आया है और यहाँ पर एप्पल के आते ही हम चाहे तो इनको बड़ा भी कर सकते हैं ठीक है और जहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं बचेगी हम उस फ्रेम को सेट करके यहाँ से इसको कट कर देंगे इसको पीछे कर देंगे ठीक है ऑलरेडी यहाँ पर हमारे सारे इफेक्ट्स लगे हुए हैं इसको मैंने कॉपी किया था ठीक है और यहाँ पर आकर मैं इसको दूसरी तरफ से क्रॉप कर दूंगी तो इस तरह से मैं एक ही फ्रेम के अंदर दो चीज़ें यूज कर सकती हूँ इजीली इसको भी कट किया है और यहाँ पर लेके आएंगे इसको ज़रा अच्छा अब हमने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर क्रॉप का इफेक्ट लगाया था ना तो ये जो हमारा ब्लू कलर वाला ये थोड़ा सा वो हो गया है तो हम यहाँ पर आके क्रॉप का जो इफेक्ट है इसमें से हम डिलीट कर देंगे आपने ये नहीं करना कि आपने जो पहली वाली थी उसको आपने डिलीट कर दिया अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आ, कोई भी इफ़ेक्ट वग़ैरह मैंने डिलीट करना है तो पहले आपने उसको कट करके अलग कर लेना है ठीक है कट करके अलग कर लेना है जो हिस्सा आपको नहीं चाहिए सिर्फ उसका इफ़ेक्ट डिलीट करना है ये ना हो कि आपकी की कराई मेहनत पे पानी फिर जाए यहाँ पर मैंने ये डिलीट कर दिया है ये फाइल्स मुझे वैसे भी नहीं चाहिए थी तो इनको ऐसे ही डिलीट कर दिया ठीक है अब मैं यहाँ पर आती हूँ और ये ये देखिए ठीक है अच्छा यहाँ पर वैसे हमने इफ़ेक्ट लगाया था लेकिन अगर आपका इफ़ेक्ट उसमें कट हो जाता है तो प्रीमियर प्रो के अपने भी वीडियो की ट्रांजेक्शन के काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं आप यहाँ पर से कोई भी चूज़ कर सकते हैं और लगा सकते हैं जैसे कि ये क्रोसूम हमने लगा लिया ठीक है तो ये वाली जो इस तरह से चीजें है ना सारी प्रीमियर प्रो से इजीली कर सकते हैं